आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सब उदासी में आस पास होते हैं, दिल की सारी दुनिया में रिश्ते खास होते हैं। तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। हम मुझे आवाज लगाते मैं ले आती आपको, आप भी ना। बेटे, बेटियों को कांधों पे बिठा के उनके लाड बिठाए जाते हैं। मैं एक मजबूर और बेबस बाप बोझ बन गया हूं तुम्हारे नाजुक क्षणों पर। पापा, मैं अपने बाबा की पसीने की एक बूंद की कीमत भी अदा नहीं कर सकती। 3 साल की थी जब मामा की डेथ हुई, और आपने इस तरह ख्याल रखा कि कभी मामा की कमी महसूस ही नहीं हुई। जब मेरे बाबा मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं, तो मैं अपने बाबा की तकलीफ को कैसे जाने दूं। बेटी, सुबह के वक्त तुम घर के कामों में, दफ्तर जाने की तैयारी में और बिजी होती हो, सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते? तो ठीक है, फिर आप ये दवाई खाना नहीं भूलिएगा। नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम पहले नाश्ता कर लो। नहीं, पहले आप ये समझ लें कि ये जो दो दवाएं हैं आपने इनको, ये मैंने लंच के बाद खानी है, ऐसा ना? गुड, आपको याद है ना, तब नाश्ता शुरू करें। तुम ये सैंडविच मेरे सामने खाओ। बाबा, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं खा सकती अभी। बेटे, तुम्हें रोज भूखे पेट निकलना पड़ता है, प्लीज मेरे सामने ये सैंडविच खा लो। अच्छा ठीक है, मैंने सैंडविच ले लिया है, मैं ऑफिस जाते हुए खा लूंगी। ठीक है, अब मैं निकल रही हूँ, और अब सलीम आने वाला होगा। आपका खाना मैंने फ्रिज में रखवा दिया, भूख लगी तो सलीम आपको गर्म करके दे देगा। कोई भी मसला आप मुझे कॉल करेंगे। ओके, मैं कर लूंगा बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। आमीन। अबे भाई, कोई नवाबी नहीं है यार, ये जो प्रोफेसर है ना, ये एक नंबर का नफसियाती पेशेंट है यार। कभी सफाई पर, तो कभी ड्यूटी पर लेट आने पर, और कभी खाना ना गर्म करने पर। यार, इसको तो जलील करने का मौका चाहिए बस। हाँ, और तो और, हर 2 मिनट के बाद इसको बाथरूम जाना होता है यार। सलीम, ये देख, नाम लिया और उसके बाथरूम जाने का टाइम हो गया। सलीम, चल यार, मैं बाद में बात करता हूँ उससे, वो मुझे बुला रहा है। हाँ सलीम, जल्दी आओ। साहब, आया आया आया। सोया जरीन, कहाँ पे तैयारी कर ली?
पापा की वीकली चेकअप से ना बस उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। सब ठीक तो है ना? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप काफी बेहतर फील कर रहे हैं और जो भी काम होगा ना मैं घर से करके सेंड कर दूंगी। सब नोट डाउन कर लिया, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम बेटे, मैंने आपको पहचाना नहीं। अपने कॉलेज के सबसे नालायक स्टूडेंट शाजेब को कैसे भूल सकते हैं आप? नालायक स्टूडेंट? ओह, शाजेब अहमद सनफ अरशद अहमद। There you go. रोल नंबर 318। बेटे माफ करना ही हूँ, इतने अरसे के बाद अचानक मुलाकात हुई तो मैं पहली नज़र में पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसा हो जाता है। कॉलेज के ज़माने में तो आप बहुत ही ज़्यादा फिट थे, लेकिन फिर अब इस व्हील चेयर पर कैसे? बाबा को सीरियस पैरालिसिस हो गया था, स्ट्रोक के बाद से चलने में दुश्वारी, मेमोरी लॉस, ये सब चलता ही रहता है। ये मेरी बहादुर बेटी है जोया जमाल। सलाम। हाई दोस्त। कोई बात नहीं प्रोफेसर साहब, आप बहुत ही हिम्मत वाले और बहादुर हैं, बस आपने हिम्मत नहीं आ रही है। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारे अंदाज में, लहजे में, वज़ह कतों में इतनी मुस्बत तब्दीली देकर बखुदा तेरी खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप ही की वजह से। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ओह, शाजेब मोटर्स। जी, गाड़ियों की सेल परचेज का छोटा सा बिजनेस है मेरा, बस अल्लाह के करम से गुजारा भी हो ही जाता है। शुक्र है शुक्र है, इंशाल्लाह तुम्हें कामयाबी और बरकत अता होगी। थैंक यू। कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें मेरा, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, जस्ट गिव मी अ कॉल एनी टाइम। मैम, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैकेनिक को बुलवाना पड़ेगा। बाबा फिर से वही इशू, अभी कैब ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन मैकेनिक को बुला के गाड़ी ठीक करवा देंगे यार। नहीं नहीं, I'm really sorry to interrupt you guys, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपको मैं कैब में कैसे जाने दे सकता हूँ? It's okay, we will manage. Not at all. You know, प्रोफेसर साहब के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, मुझे रास्ते में इनसे बहुत सारी बातें करनी हैं, तो बस हो गया फैसला, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ आप लोगों को, दैट्स इट। बेटे, मैं इस शख्स को बचपन से जानता हूँ, बहुत ज़िद्दी है, जो बात ठान लेकर गुजरता है। मेरे ख्याल है ये कैब का आइडिया ड्रॉप करो, इन्हीं के साथ चलते। श्योर। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, ये फाइल में ले सकता हूँ? विच वे? यस दिस वे। हेलो, शाजिब स्पीकिंग।
जी बात कर रहा हूँ, आप कौन? मैं जोया, सुबह ही आपसे मुलाकात हुई थी ना, प्रोफेसर साहब की बेटी। जी जी, आई एम रियली सॉरी, आपका नंबर नहीं ना मेरे पास। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो एक्चुअली ना, बाबा को याद ही नहीं आ रहा कि उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं। वो मुसलसल दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से ना उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, सो अब वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट्स रख कहाँ दी हैं। आपको कोई आइडिया है? मेरी गाड़ी में ही थी वो रिपोर्ट्स, शायद आप भूल गए थे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने सोचा था कि कल तक आपके घर पर ड्रॉप कर दूंगा, अभी काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, ज़रूरत है अभी रिपोर्ट्स की, तो मैं अभी भी आ सकता हूँ ड्रॉप करने। नहीं नहीं, इमरजेंसी तो कोई भी नहीं है, जब भी आपका गुजर हो हमारी तरफ तो रिपोर्ट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। जरूर। थैंक यू सो मच। हाफिज, गुड नाइट। बस क्या बताऊं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का मसला, फालिज और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां इस प्रोफेसर को यार। सलीम, चलता फिरता 302 का केस है। सलीम, तू सही कह रहा है बिल्कुल, इस बुड्ढे को ऐसी औकात में रखना चाहिए। हाँ ये देखो ना, सेल्स कितनी नीचे चली गई है इस मंथ। क्या मार्केट कंपटीशन की वजह से हमारी सेल डाउन हो रही है? पता नहीं, इसको चेक करो। आपको रिमाइंडर तो दे दूं मेडिसिन का। सोया बाबा, अब बाबा मैं आ रही हूँ। क्या हुआ सोया? बाबा, सोया, बाबा, 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 बाबा ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? क्या हुआ है बेटे? मैं सब ठीक हूँ। सोया जस्ट काम डाउन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक है। बेटे, इस बकबक ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अल्लाह का शुक्र है कि शाहजेब उस वक्त आ गया फरिश्ता बनकर। वो मैं फाइल देने के लिए आया था तो देखा कि अंकल जमीन पर गिरे हुए थे, और ये घटिया इंसान फोन पर किसी से गप्पे लगा रहा था। मुझे माफ कर दे मैडम, मैंने तुम्हें बाबा की खिदमत के लिए इधर रखा है ना, और तुम मेरे बाबा को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैडम मैं कसम खाता हूँ, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे मैडम। जोया ने अगर तुम्हें माफ भी कर दिया तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे लोगों को ना पुलिस के हवाले करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, पुलिस के हवाले नहीं करें प्रोफेसर साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं प्रोफेसर साहब, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो वो भूखे मर जाएंगे। मैं मानता हूँ मुझसे गफलत हुई है, मैं आपको गुनहगार हूँ, मुझे कोई और सजा दे दे, मुझे जूते मारे प्रोफेसर साहब, मुझे माफ कर दे प्रोफेसर साहब, मुझे माफ कर दे प्रोफेसर साहब। दूर हो जाओ। मैडम पुलिस को ना बुलाए, मुझे माफ कर दे मैडम, मुझे माफ कर दे। बेटे, इस बकबक को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसके जुर्म की सजा इसके मासूम बच्चों को देना मुनासिब नहीं है, माफ कर दो इसे। अल्लाह भी रहम करने वालों को पसंद करता है बेटा। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से दफा हो जाओ। मैंने कहा ना दफा हो जाओ। मैडम ने कहा ना, जाओ यहां से।
जब से बाबा को स्ट्रोक हुआ है ना, कोई भी ढंग का मेल अटेंडेंट नहीं मिला। कभी कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, कोई आए दिन छुट्टी करता था। इसको बस एक हफ्ता हुआ है मैंने नौकरी पे रखा है और इसने भी अपनी औकात दिखा दी। बस इस थर्ड क्लास आदमी का जिक्र ना करें मेरे सामने। तो ये बहुत लगी था कि अंकल ने इसको माफ कर दिया और ना इतनी आसानी से मैंने इसकी जान नहीं छोड़नी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस वीक से ऑडिट भी स्टार्ट है और जब तक ऑडिट खत्म नहीं होते मैं छुट्टी नहीं कर सकती। मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? बाबा को अकेला घर पे नहीं छोड़ सकते, उनके लिए मेल अटेंडेंट की बहुत जरूरत है। मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनसे तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप किसी के थ्रू अटेंडेंट अरेंज करवा दें देन आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। समझो, मेल अटेंडेंट अरेंज हो गया। आप एक दफा कॉल करके पूछ लेना उससे कि कल वो आ जाएगा। कल आपके ऑफिस जाने से पहले मेल अटेंडेंट अपनी ड्यूटी पर होगा, शाज़ेब अहमद का वादा है आपसे। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैंने कहा था ना आपसे, प्रोफेसर साहब के बेशुमार एहसानात हैं मुझ पर। I'm relieved. Assalamualaikum. Good morning. Good morning. Waalaikum assalam. Thank you. Professor साहब, ये खास तौर से बुक्स आपके लिए लाया। जीते रहो, जीते रहो। तो भाई ये तो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। No problem. मेल अटेंडेंट को कॉल कर देना ताकि मैं रूटीन समझा दूं ऑफिस जाने से पहले। आपका अटेंडेंट आपके सामने हाजिर है मैडम। आप बेफिक्र होके ऑफिस जाइए, प्रोफेसर साहब की रूटीन मैं इनसे खुद ही समझ लूंगा। देखिए, मैं प्रोफेसर साहब का स्टूडेंट रह चुका हूँ तो ना मैं चोरी करता हूँ और ना ही मैं सिगरेट पीता हूँ। और मेरी एक खास बात और भी है, छुट्टी वाले दिन में मैं छुट्टी नहीं करता। यू वेरी फनी। आप प्लीज अटेंडेंट को कॉल कर दें, आई एम गेटिंग वेरी लेट। जोया, इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई भी हमें ढंग का बंदा नहीं मिलेगा। जब तक प्रोफेसर साहब के लिए कोई अटेंडेंट नहीं आ जाता मैं इनकी टेक केयर खुद करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। ऐसे नहीं हो सकता बेटा, मैं कैसे अपना बोझ तुम्हारे कांधों पे डाल सकता हूँ। तुम्हारा बिजनेस है, रोज शोरूम पे जाना होता है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इनफैक्ट आप दोनों ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शोरूम है मेरा मगर वहां पर मेरे वर्कर्स काम करते हैं और उनके साथ मेरा फोन पर आता रह सकता है। जोया, जब तक आप ऑफिस में होंगी मैं प्रोफेसर साहब के साथ रहूंगा और जब आप वापस आ जाएंगी मैं चला जाया करूंगा अपने शोरूम। प्रोफेसर साहब, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। एक एक्सीडेंट में। आई एम सॉरी। उनकी खिदमत करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। मुझे आपका एक लेक्चर याद है, आपने तो कहा था कि उस्ताद एक रूहानी वालिद का दर्जा रखता है। देखिए, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर किस्मत मुझे मेरे रूहानी वालिद की खिदमत करने का मौका दे रही है तो मुझे मत रोके, प्लीज मुझे कर लेने दें। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सूप का वक्त हो गया है, चले बस अब ये रखें आप।
बाबा शाहजेब ने कितनी डेडिकेशन से और अपने पन से काम किया है। मुझे हैरत है बेटा कि अगर मेरा सगा बेटा भी होता ना तो शायद मेरी इतनी खिदमत न कर सकता जितनी शाहजेब ने बड़े प्यार से दिल से मेरी देखभाल की है। शाहजेब इतना मल्टी टैलेंटेड और ऑनेस्ट शख्सियत का मालिक है तो फिर आप कॉलेज में उसे नालायक और लूजर के नाम से क्यों पुकारते थे? मैं खुद सोचकर हैरान हूं कि इसमें इतनी तब्दीली कैसे आई। हालांकि वो कॉलेज का सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ गुंडा टाइप लड़का था, ना खुद पढ़ता था ना अपनी क्लास के किसी दूसरे स्टूडेंट को पढ़ने देता था। कॉलेज में इसका महबूब मशगला उधम मचाए रखना था। लेकिन अब शाहजेब बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसकी लाइफ में कितना चेंज आया है। अब लोगों को तंग करने के बजाय उसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत अच्छा महसूस होता है। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे लिए शाहजेब जैसे लड़के की तलाश थी। अब इसे उसने इत्तफाक कहो या हमारी किस्मत, उसे अपनों की तलाश है और हमें शाहजेब जैसे मजबूत सारे की जरूरत है। जो बेटा अगर तुम्हें इतराज न हो तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी तुम शाहजेब से शादी कर लो। पापा आपका हर फैसला मुझे कबूल है क्योंकि आपकी हर खुशी में मेरी खुशी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें हमेशा शादाबाद रखे, ढेरों खुशियां दे। आमीन। आमीन। अपनी खूबसूरत दुल्हन के लिए यह आखिर से नजर आना। इतनी खूबसूरत रिंग को हकीर कह रहे हो? जोया मेरा बस चलना था दुनिया की सारी खुशियां चुरा कर तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बिल्कुल बेटों की तरह तुमने बाबा का ख्याल रखा। मुझसे वादा करो जिंदगी भर बाबा का खास ख्याल रखोगे ना? तुम एक नंबर के नालायक और लूजर हो। उनका खास ख्याल रखने के लिए ही तो मैंने तुमसे शादी की है। बस मैं लेट हो रही हूँ, ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ऑफिस। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद करो प्रोफेसर जमाल, जब मैं एग्जाम में नकल कर रहा था तब बिल्कुल इसी तरह से तुमने मेरे हाथों के नीचे से मेरी कॉपी छीन ली थी। हम्म?
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है प्रोफेसर, मैं तो बस होश मिला रहा हूं तुम्हें। अब वो बदतमीजी याद करो जब तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे डायलॉग मारकर जलील किया था कि शाज़िब तुम एक नालायक और लूजर हो, याद आया तुम्हें? उस दिन पूरा कॉलेज मुझे लूजर लूजर के नारे लगाकर चिढ़ा रहा था तुम्हारे उस एक डायलॉग की वजह से। मेरी रातों की नींद हराम हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई। देखो उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं और उनकी इस्लाह और मुस्तकबिल के लिए उन्हें डांटता है। मैं भी तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए। अरे बस खामोश, ये तुम्हारी लेक्चरबाजी सुन सुन करना कान पक गए मेरे। अगर तुम मुझे नकल करने से ना रोकते, मेरे पेरेंट्स को जाकर मेरी कंप्लेन ना करते, तो मैं भी आज अपने भाइयों की तरह अपने बाप की जायदाद पर अय्याशी कर रहा होता। लेकिन तुमने कंप्लेन की, तुम्हारे कंप्लेन करने की वजह से मेरे बाप ने अपनी जायदाद से मुझे आग कर दिया। क्या तुम्हारे वालदेन जिंदा है? हाँ जिंदा है, खुश भी है और मजे में भी है। बस मैं ही उनके लिए मर चुका हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्रोफेसर। मैंने भी टांग दी, खुद से कसम खाई है मैंने, तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा मैं। काश मुझे तुम्हारे सहवान सिफत रूप का पहले से पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे नफ्सियाती शख्स से कभी न करता। मैं बताता हूँ सोया को। प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर, बोल रहे हो तुम? अगर गलती से भी जोया को सच बताने की बेवकूफी की ना तुमने, मैं जोया को जान से मार दूंगा। आई रिपीट, मैं जोया को जान से मार दूंगा। सोया, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है बेटा। ये जो शाज़िब है ना, और इस तरह शैतान है, शैतान। इससे पहले कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें फौरन पुलिस को इतला कर देनी चाहिए। Thank you.
सॉरी बाबा, आप कुछ कह रहे थे? प्रोफेसर साहब के आराम का वक्त हो गया है। ठीक कह रहा है वो, आपको सोना चाहिए। और ये तुम्हारी कॉफी, जल्दी से कॉफी पियो और अपना काम खत्म करो। मैं प्रोफेसर साहब को लेके जा रहा हूँ, इनके जाने का वक्त आ गया है। आपका सूप रेडी हो गया। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूं कि बाबा बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, हमेशा खौफ और गुनूदगी की हालत में रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय मुसलसल खराब हो रही है। ऑनेस्टली मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमारी शादी के बाद से वो प्रोफेसर साहब पता नहीं मेरे साथ बिल्कुल नौकरों वाला सलूक करने लगे हैं। शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की वजह से शायद उनको कुछ याद ही नहीं रहता है, कभी दवा खाने को मना कर देते हैं और कभी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं कि उन्हें और दवा चाहिए। जब मैं उन्हें मना करता हूँ या उन्हें समझाता हूँ तो वो मुझे लूजर और नालायक जैसे नामों से पुकारने लग जाते हैं। पापा ठीक कहते हैं कि अगर उनका सगा बेटा भी होता ना तो शाज़ीब जैसा ख्याल नहीं रख पाता। तुम फिक्र ना करो, मैं बाबा का कंप्लीट चेकअप करवाती हूँ। इस सडन बिहेवियरल चेंजेस क्यों हो रहे हैं वो तो पता चले। मैं सुबह तक आ रही हूँ। शाज़ेब। हाँ ज़ोया। मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे जनरल मैनेजर की पोस्ट पे शिफ्ट कर दिया गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम। थैंक यू, लेकिन मसला ये है कि मुझे ना दुबई वाले ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ तो इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है, ये तो खुशी की बात हुई, हम सब दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, चाहा तो मैंने भी यही था कि हम साथ दुबई शिफ्ट हो जाएं, लेकिन बाबा की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके और उनका मेडिकल भी सारा यही हो रहा है, तो मुझे लगता है तुम्हें बाबा के साथ यहीं रहना पड़ेगा फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये पोजीशन नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, देन आई विल जस्ट नहीं, ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रोज रोज से नहीं मिलती है ना, जरूर एक्सेप्ट करनी चाहिए तुम्हें। और जहाँ तक रही प्रोफेसर साहब की बात, तो उनका ख्याल रखने के लिए उनका ये बेटा है ना। नहीं 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 नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे जाने के बाद वो मुझे मार देगा। वो शैतान है, इंसान नहीं है। इस मकान पे कब्जा करने के बाद तुम्हें भी मार देगा। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आप ही के साथ रहूंगी, नहीं जाऊंगी दुबई। ठीक है, प्रॉमिस। अब आराम से सो जाए, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है,
सो जाए आराम से। नंबर के नालायक और लूजर हो। हेलो, हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। ओके प्रोफेसर, तुम कहा करते थे जिंदगी में कामयाबी के लिए तालीम की जरूरत पड़ती है, लेकिन देखो तुम्हारे इस नालायक स्टूडेंट ने तुम्हारा ही फलसफा गलत साबित कर दिया। जिंदगी में कामयाबी के लिए तालीम की नहीं बल्कि एक लूजर शैतानी दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? बस आने वाला, वो देखो आ रहा है। क्या शाज़ीन, ये है तुम्हारा हस्बैंड? हाँ हाँ शाज़े, कोई इंसान इतना घटिया और जालिम कैसे हो सकता है? सोया वो मैं। एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि इरम ने तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे बता दी है। इरम ने तुम्हें देखते ही बताया कि कैसे तुमने उसकी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, शादी के झूठे वादे किए
और फिर एंड टाइम पे उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसकी जिंदगी से तुम चले गए, उसे धोखा दिया। और शाहजेब मोटर्स वो भी इरम के फादर का है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी असलियत जानने के बाद अब मुझे यकीन आ गया है कि बाबा को भी तुमने मारा है। और मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करने वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि इस एक्सीडेंट में तुम्हारी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई और तुम जिंदगी भर ऐसे ही माजूर रहोगे, मैं चाहती हूं कि तुम सारी जिंदगी इसी माजूरी में दर बदर की ठोकरें खाते रहो, ताकि तुम्हें दूसरे इंसान की तकलीफ का भी एहसास होता रहे। बाजार तो तुम आजाद नजर आ रहे हो, लेकिन मरते दम तक तुम इस व्हील चेयर में कैद रहोगे। और जब तक तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती, तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। ये मेरा ईमान है। जोया माफ कर दो मुझे, जोया मुझे माफ कर दो।